डर से। क्यों? पाकिस्तान के लिए नहीं, फिर ये क्रिकेट का दुख भी कोई दुख है। अच्छा, फिर हमारा हदवाणा फिक्का निकल आया है। ओए, 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 ओए। ऐसा भी होता है भला, आज तो खुद भी हदवाणा बन के आई हुई है। तो डेढ़ मेहरबानी दा मखा दिखा। वाह जबरदस्त, तुम रखूली पुख्तू हुई दा। डेढ़ मेहरबानी दा, डेढ़ मेहरबानी दा मखा दिखा। डेरा मनाना नाजरीन तासु अजी ब्रेक ता ब्या बो पास रजु इंशाल्लाह बे मुलाकात बहु कुछ सही दा। सबसे इंपॉर्टेंट पिचेस है, और फिर अपना डिसिप्लिन लेके आना है, फिर आपने कोचिंग को यहाँ से वहां पहुंचाना है। अभी अगर आपके पास नहीं है उस ब्याह के कोचेस, तो आप बाहर से लेके आए और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डालें अपने वो कोचेस, क्योंकि दो जो आए थे काउंटी के कोचेस हमारी फर्स्ट क्लास टीम से साथ लगाए थे, वो डिसिप्लिन लेके आए थे, वो एक रूटीन बनाई थी उन्होंने, उसमें पॉलिटिक्स खत्म की थी उन्होंने। तो ये कई दफा हमें ये करें, जो जो सर्जरी की बात कर रहे हैं ना, वो क्रिकेट की सर्जरी चाहिए, वो यहां से नहीं काटना है किसी को। सारी टीम्स की हम बात कर रहे थे, जिसमें अफगानिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस भाई जबरदस्त जारी है, उस पर भी आज हम डिटेल से बात करेंगे। अपनी टीम पर भी बात करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ, क्या ऐसी गलतियां हमारी टीम के प्लेयर्स ने की, क्योंकि लास्ट टाइम अगर हम बात करें वर्ल्ड कप की तो फाइनल में थे, इस बार सुपर एट तक ना पहुंच पाना, दिस इज रियली रियली सैड एंड डिसअपॉइंटिंग, एंड इस पर हम बात करेंगे। रमीज सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आई एम श्योर वो भी उतने ही डिसअपॉइंटेड होंगे। कैसे हैं रमीज सर आप? मैं ठीक हूँ, इसलिए कि देखें, अगर अपने हाथ में अपनी किस्मत नहीं आप रखेंगे तो दूसरे आपकी बिडिंग नहीं करते हैं। फिर ये मौसम ले लें या किसी को हारना है हमें क्वालिफाई करने के लिए, ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए। आपको फुल थ्रॉटल पे पहला मैच खेलना चाहिए था, और फिर दो आपको चांसेस मिले, एक सुपर ओवर हो गया, और उसके बाद फिर सुपर ओवर में आपने बहुत ही रद्दी किस्म की टैक्टिक्स अपनाई, जिसकी वजह से अब ये मुकाबले से बाहर हो गए हैं। सो क्या कह सकते हैं, आई थिंक पोस्टमार्टम हर दफा हम करते हैं, चाहे फाइनल खेलें, हर दफा हमारा यही होता है कि हम खराबियां ही बताते हैं, अच्छाइयां बताने की बहुत कम हम बातें उस पर करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम ही ऐसा है, हमारी परफॉर्मेंस ऐसी है, अनफॉर्चुनेट है, इसलिए कि बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट था आज। वैसे बाय द वे बारिश नहीं हुई है अभी तक, मगर क्योंकि फ्लडिंग हुई है पिछले 3-4 दिनों में, तो ये ग्राउंड ही अनेबल थी टू प्ले द गेम। जी जी, अगर हम बात करते हैं अपनी टीम की परफॉर्मेंस की, पिछले बार अगर हम बात करें T20 वर्ल्ड कप की, तो हमने फाइनल खेला और इस बार सुपर एट में जगह ना बना पाना, ये कितना आप कितना डिसअपॉइंटेड हैं, और आप नेशन को इस पर क्या मैसेज देंगे? बिकॉज सब लोग, अगर आप सोशल मीडिया खोलें तो लोग इतना डिसअपॉइंटेड हैं, बुरा भला कह रहे हैं टीम को, कोई ट्रोल कर रहा है, कोई मीम्स बना रहा है, कहीं ना कहीं वो अपनी फ्रस्ट्रेशन एंड गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मुझे भी बड़ी फ्रस्ट्रेशन थी, क्योंकि तब मैं पीसीबी में था, तो फाइनल खेल के जब वो हारे, तो ऑब्वियसली मैंने जब बात की इनसे, मैंने कहा जब तक सिल्वरवेयर नहीं आता ना, आपका नाम नहीं बनता है। बहुत अच्छा खेले आप, बट जीते नहीं। मगर मुझे उस वक्त याद है, जो मेरा एक एंटी ग्रुप था टेलीविजन के ऊपर जो बैठता था, ये एक जर्नल जो एक नेगेटिव स्पाइरल में लोगों को लेके जाते थे, वो ये कहते थे, क्या हुआ जी फाइनल खेले, फाइनल जीते तो नहीं ना। अब आपको पता चला कि क्या होता है जब आपकी टीम वाकई बितर बितर हो जाती है बिकॉज ऑफ बैड मैनेजमेंट, बैड सिलेक्शन, बैड पॉलिसीज, उसका आप यू नो लीडरशिप को आप क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, अपने प्लेयर्स घुसाने की कोशिश करते हैं, अपने प्लेयर्स निकालने की कोशिश करते हैं। So, ये फिर ये अच्छी भली टीम, सवाल तो यही है ना, तो आपका सवाल है कि ये हुआ क्या है, क्योंकि व्हाइट बॉल में हम इतने बुरे नहीं थे जितने हो गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं मानता हूं कि टेस्ट मैच में हमें बहुत ज्यादा जरूरत है काम करने की, बट T20 तो हमारी गेम थी, टॉप 3 में थे, आपने फाइनल खेला, एशिया कप का फाइनल खेला, तो इसमें सिर्फ बात ये, मैं फिर से ये बात करता हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसे लीडर के नीचे खेला था इमरान खान, जो कि लीडरशिप के थ्रू जो है ना, वो आपकी आपको यहां से यहां लेके चले जाते थे। क्योंकि होता है कि क्रिकेट एक बहुत कम गेम्स में एक ऐसी गेम है जहां पे लीडरशिप मैटर करती है। वो आप 10,000 क्वेश्चन कर सकते हैं वेदर लीडरशिप हमारी इस काबिल है या नहीं है, बट अगर आप लीडरशिप से उसका रोल खींच के और उसको फुटबॉल की तरह साइडलाइन से इस गेम को आप लॉन्च करने की करेंगे थ्रू कोचिंग स्टाफ, थ्रू मीडियोकर सिलेक्शन, through forced decisions, तो फिर सारी टीम का बड़ा गर्क हो जाता है। So, आपको फिर से उस तरफ बेसिक, जो ये 100-125 साल हो गए इस क्रिकेट को, इसके फंडामेंटल्स नहीं बदले हैं, इसके फंडामेंटल्स वही हैं। लीडरशिप अभी भी काम आती है और उसका एक स्कोप है, उसका एक स्टेटस है, उसकी एक अहमियत है। इसी तरह से आप क्रीज को ऑक्यूपाई करें
चाहे वो 1910 में करें चाहे वो 2024 में करें, आप स्कोर करते हैं। बिल्कुल ये हैं, आप लाइन बॉल करते हैं, आपको विकेट मिलती है। ये फंडामेंटल्स क्रिकेट के हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये गलत कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अजहर अली साहब भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप बहुत उदास लग रहे हैं, मैंने कहा आप थोड़ा आपको टाइम दिया जाए, आप ताकि जो है ना कंपोज हो जाएं, पानी शानी पिए। कल दो शोज में मैं काफी बोल चुका हूं, तो मैंने कहा ठीक है आज थोड़ा रिलैक्स करें। अच्छा आज बहुत ही एक सैड दिन है, और आज मैं आते हुए प्रोग्राम से पहले एक ट्वीट पढ़ी थी कि हमारी ये जो स्पोर्ट है क्रिकेट की, जब हम बात करते हैं कि उसका भी हॉकी जैसा हाल होता हमें नजर आ रहा है, और लोग बहुत ज्यादा गुस्सा भी हैं, लोग डिसअपॉइंटेड भी हैं। लास्ट टाइम की अगर हम बात करें तो फाइनल में पहुंचना और फिर इस बार सुपर एट में भी जगह ना बना पाना, दिस सर्टेनली इज वेरी डिसअपॉइंटिंग, वेरी डिसअपॉइंटेड। और जिसको कहते हैं ना, इट वॉज राइटिंग ऑन द वॉल, जब आप दो गेम पहले हार जाते हैं तो फिर आप जब डिपेंड करते हैं वेदर के ऊपर और दूसरी टीम्स के ऊपर, तो फिर आप हर दफा वो नहीं होता जो पहले हो, कई दफा हो गया आप लकीली आगे पहुंच गए, लेकिन जब तक आप खुद अपने आप को ऐसे लेवल पे नहीं लेके जाएंगे। देखें, एक तो कंप्लेसेंसी बहुत ज़्यादा है हमारे कि यार इसको भी हम हरा लेंगे, या अच्छी सिचुएशन से हम मैच भी ख़राब कर लेते हैं। तो आई फील के आपको ऑन अपनी ए गेम हर वक्त रखनी पड़ती है, किसी भी टीम से आप खेल रहे हैं, स्पेशली जब ऐसे राउंड के ऐसे मैचेस हो ना जो आपके मस्ट विन हो, जिसको आप एक्सपेक्टेड टू विन हो, वो आपको डोमिनेट करने चाहिए। वो ऐसा नहीं कि आप वो फंस के मैच खेल रहे हैं, पता नहीं मैच किस तरफ जा रहा है। सो आई फील के कहीं ना कहीं हमारी कंप्लेसेंसी भी है और थोड़ी सी लापरवाही भी है। अब ये मेरे लिए तो बड़ा दुख का मुकाम है कि इस पूल से पाकिस्तान टीम आगे नहीं जा सकी। मतलब कि सिर्फ इंडिया एक स्ट्रांग टीम थी, इंडिया से ठीक है आपको मैच जीतना चाहिए था, लेकिन यूएसए का मैच भी आपके हाथ में था, कोई ऐसी कंडीशंस नहीं थी कि जिसमें कहें यार वो यार बैड लक हो गई, टॉस हार गए तो बस वो पहले 6-7 ओवर में हमारे आउट हो गए, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, सब कुछ सेट हो गया था। और फिर उसके बावजूद अपनी गेम अवेयरनेस के ऊपर आप मैच हार जाएं, और जैसे रमीज भाई ने टच किया, बहुत सिलेक्शन पॉलिसी, फिर आपने जो लोग स्पोर्ट्स स्टाफ में रखे हैं उस उनको किस तरीके से रखा है, 13 दिन पहले आपका हेड कोच आ रहा है, तो इतनी अनसेटल्ड चीजों में ना पाकिस्तान क्रिकेट, पहले भी ऐसे परफॉर्म कभी कभी कर जाते हैं हम, लेकिन कभी भी हम इस चीज से नहीं सीखते कि अच्छी परफॉर्मेंस एक लॉन्ग प्रोसेस और राइट प्रोसेस का नतीजा होती है। ये नहीं होता कि एक गलत प्रोसेस से आप अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करें, वो एक आध दफा आपका तुक्का लग जाएगा, हर दफा ऐसे नहीं होता जी। अच्छा रमीज सर, थोड़ा सा पोस्ट मॉर्टम करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी डाइसेक्शन करने की कोशिश करते हैं, अगर अपनी टीम की परफॉर्मेंस की बात करें, व्हाट डू यू थिंक, क्या ऐसी गलतियां उन्होंने की जिस वजह से वो आगे नहीं जा पाए और सुपर एट के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाए? देखिए, दो तरह से मैं समझता हूं कि वर्ल्ड कप से पहले ना एक तरह से थरथली मच जाती है, मुझे समझ ये नहीं आती है कि हम प्रोसेस से हट जाते हैं। हाँ, ये जो एक साउथ अफ्रीका का वर्ल्ड कप पाकिस्तान का 50 ओवर्स का हुआ था ना, उसमें क्या करने की कोशिश की गई कि सारे एक्सपीरियंस और स्टार्स को भरने की कोशिश कर दी गई कि जी वर्ल्ड कप से पहले ना एक्सपीरियंस बढ़ाता है, तो वो एक्सपीरियंस के थ्रू ना आप जो है वो आगे निकल जाते हैं, मगर वो एजिंग स्टार्स थे हमारे। इसी तरह से इस वर्ल्ड कप में भी मुझे उसकी एक थोड़ी सी झलक नजर आई कि ये एजिंग स्टार्स या एजिंग प्लेयर्स के साथ हमने अपनी बचत कराने की कोशिश की, और हमने बहुत देर तक मीडियोक्रिटी को बैक किया इस टीम में, बहुत देर तक। एक देखे ना, हर एक या एक पीक होता है, हर प्लेयर की 2-3 साल मैक्सिमम 4 साल की पीक होती है, उसके बाद उसने नीचे आने ही आना होता है, चाहे वो दुनिया का कोई भी ग्रेट बैट्समैन हो जाए, ग्रेट बॉलर हो जाए, वो पीक इतनी मेंटेन कर सकते हैं। हमने ऑफ पीक प्लेयर्स को डाल दिया, और हमने कई ऐसे प्लेयर्स को इस टीम में रखा हुआ है जो बहुत देर से फेल होते जाते हैं, मगर वही बात है, दूसरा टैलेंट आइडेंटिफाई करने की एक आंख होती है ना, और वो टैलेंट अगर आप आइडेंटिफाई ठीक नहीं करते हैं, उसको टीम में ले आते हैं, तो फिर आपको बार बार चोट लगती है, क्योंकि फिर आपने जस्टिफाई भी करना होता है वो कि आपने सही पिक किया है, और आपको पता चल जाता है। एक दफा मुझे याद है, इंजमामुल हक ने एक प्लेयर पिक किया जो कि बाहर बैठा हुआ था, ये 2002 की बात है, और वो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज थी या 2000 की बात है, तो फास्ट बॉलिंग से भाग गया, तो मुझे आगे कहते हैं कि वो आपको ये पसंद आया छेड़ने के लिए मुझे। मैंने कहा इनसे इसको कैसे तुमने सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि
एक एक नेट में ही चार बॉल खेल लेना, बंदा पता चल जाता है कि वो 5 साल का प्लेयर है, 1 सीजन का प्लेयर है, 3 साल का प्लेयर है. तो ये मुझे ये लगता है कई दफा कि हमारी जो आई फॉर टैलेंट है ना, इसको जज करने की आंख भी ठीक नहीं है, और फिर हमें वो अपना डिसीजन गलत को हम रीइंफोर्स करते हैं जी. बार बार उस प्लेयर को खिला के जिससे टीम का बेड़ा गर्क हो. तो मेरे ख्याल से रीग्रुप, रीप्रोसेस, देखें आप कहां गलती कर रहे हैं, कहां पे पीछे काम होने की जरूरत है, कहां आगे बढ़ना है हमें. अब नए लड़के क्यों नहीं इस पाए के आ रहे कि वो सचिन तेंदुलकर की तरह बैटिंग कर सके. तो कहीं ना कहीं तो खराबी है, चाहे वो क्लब में है, स्कूल क्रिकेट हमारी दोबारा से रिवाइव होनी है, बहुत सारी चीजें उनकी बात है. ये असल में अपर टीयर पे हम इतनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं कि लोअर टीयर्स के बारे में हम भूल जाते हैं, क्योंकि वो है लंबी वहां पे मेहनत की जरूरत. तो कोई लंबी लड़ाई को तैयार नहीं है, आपको सिर्फ चाहिए लाइमलाइट. जब आप टॉप टीयर की टीम जो पाकिस्तान के, इसको लुक आफ्टर करें, और यहां से ठीक कर दिया, वहां से ठीक कर दिया, साथ ये कर दिया, वो कर दिया. मेरा मकसद है अभी दोबारा से फिर टेबल पे बैठेंगे, दोबारा से ड्राइंग बोर्ड पर जाएं, आपको क्या आप करना है, क्या हमें नया ग्रुप लेके आना है, या इनमें से 3-4 रख के और एक कंप्लीटली नई टीम लॉन्च करनी है. नई टीम भी नहीं लॉन्च आप कर सकते ना, क्योंकि वो उसी तरह के प्लेयर्स आपके पास तादाद में है जो कि आपको सरप्राइज नहीं करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे आके. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रमीज सर. अज़र अली साहब, आप कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे हैं? बिल्कुल रमीज भाई, उसी बात की तरफ एंड पे आगे जिस पे मैं चाह रहा था बात करना, क्योंकि हम हर दफा यही बात करते हैं कि यार अच्छा इसको हम निकालेंगे ना, हम जैसे मीडियोकर प्ले की यार इसकी परफॉर्मेंस बड़ी मीडियोकर है, फिर कहते हैं यार इसके पीछे कौन है, कुछ भी नहीं. अब उसमें रिप्लेसमेंट लाना किसका काम है, आपके सिस्टम का काम है, और आप ये कितने अरसे से कहते आ रहे हैं, तो इट मींस कि नीचे कुछ भी नहीं हो रहा. हाँ, फिर कहते हैं यार इसको निकाल के उसको ले आओ, और फिर डोमेस्टिक में जो सबसे अच्छा है उसको लेके ऊपर आ जाओ. भाई हमारा काम है राउंड द ईयर, राउंड द क्लॉक काम करना उन प्लेयर्स के साथ, उनको बेहतर करना. ये हमारी, हमारे सिस्टम की जिम्मेदारी है. हमारी टीम्स जो रीजनल खेलती हैं, डोमेस्टिक खेलती हैं, उनका सिस्टम इतना तगड़ा होना चाहिए कि वो अपने प्लेयर को डेवलप करें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लाने के. हम वहां पे इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ सीजन खिला के प्लेयर को वापस घर भेज देते हैं. भाई हमारा काम है बाबर आजम के पीछे प्लेयर लगाना, हमारा काम है पीछे इफ्तिखार के पीछे प्लेयर लगाना, फखर जमान के पीछे प्लेयर लगाना. अब कह रहे हैं कि ओपनर आते हैं वो परफॉर्म नहीं करते, मिडल ऑर्डर लाते हैं वो भी परफॉर्म नहीं करते, एक बॉलर स्पिनर लेके आते हैं वो भी परफॉर्म नहीं करते. तो भाई किसकी गलती है? ये सिर्फ ये तो नहीं हो सकता कि भी प्लेयर नहीं आ रहे. प्लेयर तो आ जाते हैं लेकिन वो रेडी नहीं होते इंटरनेशनल लेवल तक के लिए. उनकी स्किल्स इतनी बेहतर अपस्किल्ड हुए ही नहीं होते वो, कि हम उनसे डिमांड कर रहे हैं वो इंग्लैंड की तरीके से खेलें, लेकिन उनके पास एक शॉट के अलावा दूसरी शॉट नहीं है. तो वो कैसे इंप्रूव होगी? वो राउंड द क्लॉक जब तक आप कोचेज उनके साथ काम नहीं करेंगे, कोचेज का अपना बुरा हाल है बेचारों का. एक तो उनको सही तरह उनको टेस्ट ही नहीं किया जाता. वो थोड़ी थोड़ी देर के उनके असाइनमेंट्स होती हैं वो पूरी कर देते हैं. उसके अलावा उनको कहीं ना फैसिलिटी दी हुई है जहाँ पे वो काम करें, ना उनको उनका चेकअप चेक कर सकते हैं या उनकी स्किल्स को चेक कर सकते हैं. भी कोच क्या काम कर रहे हैं, सारा साल तो उनको देते नहीं आप. तो आई थिंक हर जगह इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तब आपकी प्रोडक्ट ऊपर आएगी. सबसे ज्यादा मुझे लगता है सिस्टम जो है ना हमारा नीचे से ठीक होने वाला है. और वो कैसे ठीक होगा? वो ऐसे ठीक होगा कि आप नीचे पहले बैठ के डिसाइड तो करें, लोगों को बिठाएं जिन्होंने दुनिया में क्रिकेट, रमीज भाई का एक्सपीरियंस है, वसीम भाई है, दुनिया में जाते हैं हम लोग, यू नो काउंटी क्रिकेट खेले, उनके सिस्टम अंदर से देख के आए हुए हैं कि किस तरीके से वो एक प्लेयर होता है, उसका सर्कल नहीं टापता उससे शॉटों से. वो 4 डे क्रिकेट में 25 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा होता है, 2 साल बाद वो T20 का बेस्ट प्लेयर बना होता है. वो कैसे बनता है? वो ऑफ सीजन ट्रेन करते हैं उसको, ऑफ सीजन उसकी स्किल अपस्किल करते हैं, उसको रैम्प शॉट सिखाते हैं, उसको पावर हिटिंग सिखाते हैं. वो ऐसा नहीं होता कि यकदम से टक करके वो खुद ही सीख जाएगा. उसके साथ दो साल इकट्ठे काम करते हैं, वो ऐसे लगता है यार ये तो खेलने के काबिल नहीं है 4 डे, वो बाद में T20 का प्लेयर बन जाता है. तो आई थिंक कि जहां आप कहते हैं कि यार रिप्लेसमेंट नहीं है, तो रिप्लेसमेंट किसने बनानी है, किसकी जिम्मेदारी है? हमारे सिस्टम की जिम्मेदारी है. और सिस्टम किसने ठीक करना है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने. अब वहां पर सिर्फ ये हो जाएगा कि यार ये बंदा यहाँ लग जाए, वो वहां लग जाए, अच्छा यहाँ से उठा के इसको वापस लगा दो, उधर से उसको उधर लगा दो. तो ऐसी सर्जरी अगर सिर्फ होती रहेंगी थोड़ी बहुत ही, मेरे मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश है, अगर आपने सही सर्जरी करनी है
टीम के सिस्टम की, तो प्रॉपर तरीके से बैठे, फौरन से डिसाइड ना करें किसी के कहने पर बस के बस अभी इसको हटा दो उसको हटा दो। आप बैठे रूट कॉज की तरफ जाएं और उसके बाद सोल्यूशन तलाश करके आराम से एक महीना लें और उसके बाद डिसीजन। अच्छा मोहसिन नकवी साहब ये कह रहे हैं कि सर्जरी की टीम को जरूरत है, आप नहीं समझते हो जो सर्जरी की जरूरत थी वो पहले करने की जरूरत थी, आप सर्जरी करके क्या कर लेंगे वो? चलें जब भी करें कभी भी लेकिन ऐसे नहीं होगा कि बस दो चार बंदों को जैसे डागे उधर लगा दें या निकाल दें और नए बंदे ले आए। आपका थॉट प्रोसेस जो है वो सही होना चाहिए, आपका विजन सही होना चाहिए, फिर जाके, और इसमें जल्दी जल्दी कुछ नहीं करें, ये एकदम से ये ठीक नहीं होने वाला, इसको टाइम लें, इसमें बैठें आराम से डिसीजन करें, आपका विजन राइट हो, डायरेक्शन राइट हो, फिर जो डिसीजन होंगे वो लॉन्ग टर्म हो एक तो, और दूसरे लॉन्ग टर्म होंगे तो पायदार होंगे, वरना यही होगा अगले वर्ल्ड कप में फिर हम, ये चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है एक साल बाद, ये तो अब टूर्नामेंट फटाफट आते रहने हैं, कभी टेस्ट चैंपियनशिप आ जाएगी, कभी T20 वर्ल्ड कप आ जाएगा, फिर 50 ओवर वर्ल्ड कप आ जाएगा, लेकिन ये हम सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करने जाएंगे ना, हम फिर चैंपियंस ट्रॉफी पे भी ये मैं तो परेशान हूँ उसमें बनेगा क्या, बिकॉज पाकिस्तान इज होस्टिंग इट, तो क्या होगा हमारे तो पास प्लेयर्स ही नहीं है। साल बाद आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, आपको फौरन से रिजल्ट नहीं मिलते, 3 साल तो एटलीस्ट आपको चाहिए जी। आप जो छोटी मोटी पाकिस्तान टीम में चेंजेस करनी करें, नीचे से आप पूरा सिस्टम विजन लंबा करें, ऐसा ना होगा कि आप कहेंगे जी चैंपियंस ट्रॉफी तक हमारी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, ये नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है बिल्कुल। रमी सर जब हम अपने प्लेयर्स की बात करते हैं तो ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर ज्यादा जोर देते हैं और फिर इनका कहीं ना कहीं फोकस जो है वो PSL जैसी लीग्स पर भी होता है। हाँ आई थिंक थोड़ा सा किबला दुरुस्त करने की जरूरत है, पैसे हर प्लेयर के लिए अजीज होते हैं बट वो नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कंट्री। मैं समझता हूँ कि इसके लिए आपके पास पूरी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, असल में अब ऑप्शन ज्यादा है तो इसलिए शायद यहाँ मेहनत ज्यादा नहीं होती। होता क्या है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया एक ग्रेट एग्जाम्पल है कि स्टार्क ले लें आप, जैम्पा ले लें, स्टार्क ने 8 साल IPL नहीं खेली, जैम्पा ने इस दफा IPL नहीं खेली कि मैं अपनी गेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करूंगा, तो पैसे सेक्रीफाइस किए हैं। तो पाकिस्तान को भी ये सोचना है कि कहां तक आप कर रहे हैं कि ये के लीग्स की तरफ जाएं और फिर जब पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो वो समझते हैं कि ये हमारे काबिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स भी होती है, यहाँ पे शायद सिलेक्शन ठीक नहीं होती है, हमारे साथ रवैया ठीक नहीं होता है, वी हैव बिकम बिगर देन द गेम इन अ वे, और अगर हम पाकिस्तान के लिए नहीं खेलेंगे कोई बात नहीं, वो 4 हमारी लीग्स वेट कर रही है, तो ये डिसिप्लिन खराब होता है इस तरह की सोच से। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा जो है ना इसमें डिसिप्लिन सिस्टम में लाने की जरूरत है, बल्कि सारा जो देखिए जो ग्रेटनेस आप अचीव करते हैं ना वो एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट से करते हैं। जब आप इज्जत होती है उस एनवायरनमेंट में एक दूसरे की, और फिर आप सिलेक्शन में डिसिप्लिन लाते हैं, और फिर आप प्रोसेस में डिसिप्लिन लाते हैं, और फिर आप एक पेशेंस के साथ जब आपने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है तो उसमें डिसिप्लिन की जरूरत है। फिर वो ये नहीं है कि हर 3 महीने 6 महीने के बाद कोई नया चेयरमैन आए तो आप हटा दें वो क्योंकि पिछले वाले ने किया है, इसलिए वो सब चीजें खराब है हमारे यहाँ, इसीलिए कंटिन्यूटी नहीं होती है। हमें 4-5 जो फंडामेंटल्स हैं जिसके ऊपर कोई ब्लूप्रिंट जिसने तैयार किया है उसको फॉलो थ्रू करना चाहिए। स्कूल क्रिकेट है, क्लब क्रिकेट में मैं हाई मेरिट पिचेस को 40-50 क्लब क्रिकेट वालों के लिए ला रहा था, क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम है ना क्लब क्रिकेट में, और वहां पे पिचेस ही नहीं है, जब तक आपके पास 22 गज नहीं होंगे आप कैसे तैयार करेंगे किसी को? तो आप अपनी क्लब में स्पाइक्स पहन के बॉलिंग नहीं कर सकते हैं। सो बस कुछ 40-50 पिचेस बनवाएंगी ताकि ये हाइब्रिड पिच उसके ऊपर डाली जाए जो कि इंग्लैंड अपनी काउंटी में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से ड्रॉप इन पिच का था वो रह गया, मिट्टी मंगवाई थी वो शायद इन्होंने डाल दी है, बट सबसे इंपॉर्टेंट पिचेस है, और फिर अपना डिसिप्लिन लेके आना है, फिर आपने कोचिंग को यहाँ से वहां पहुंचाना है। अभी अगर आपके पास नहीं है उस बिहार के कोचेस तो आप बाहर से लेके आए और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डालें अपने वो कोचेस, क्योंकि 2 जो आए थे काउंटी के कोचेस हमारी फर्स्ट क्लास टीम से साथ लगाए थे, वो डिसिप्लिन लेके आए थे, वो एक रूटीन बनाई थी उन्होंने, उसमें पॉलिटिक्स खत्म की थी उन्होंने। तो ये कई दफा हमें ये करें, जो सर्जरी की बात कर रहे हैं ना वो क्रिकेट की सर्जरी चाहिए, वो यहाँ से नहीं काटना है किसी को। अब हम आपसे जानना ये चाहते हैं कि पाकिस्तान ने भी बहुत टाइम लिया और हम ये दुआएं करते रहे कि शायद सुपर 8 में पहुंच जाए, और हमें फिर यकीन भी था वर्ल्ड कप से पहले, तो हमें पूरा यकीन था कि हम सेमीफाइनल तक जाएंगे और इस पर बात भी बहुत हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछली बार की अगर बात करें तो हम फाइनल में थे और इस बार सुपर 8 के लिए भी हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। दैट इज एक्चुअली वेरी सैड। इट इज क्वाइट सैड एंड अनफॉर्चुनेट।
लेकिन आई थिंक अगर ग्रुप ए में परफॉर्मेंस देखें, यूएसए की देखें या इंडिया की देखें, तो बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस दीज टू टीम्स डिजर्व टू क्वालिफाई. आज अगर नहीं मैच हो सका वो भी अनफॉर्चुनेट है कि अगर तीन मैच जो टाइम ग्राउंड टाइमिंग 10:30 टू 1:30 तक बारिश नहीं हुई, बारिश शुरू हुई 1:30, लेकिन पहले तीन घंटे तक ग्राउंड कंडीशन इस काबिल नहीं थी कि वहां पे मैच हो सके. तो अगर इंटरनेशनल लेवल पे आई डोंट नो वहाँ वेदर किस तरह था या बहुत ही सख्त वेदर था, लेकिन जिस तरह हमने इंग्लैंड में देखा है कि अगर बारिश हो भी रही भी हो कंटिन्यूसली, अगर थोड़ा बहुत भी ब्रेक आता है तो वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा होता है कि वो ग्राउंड को बड़ी जल्दी तैयार कर देते हैं कि क्रिकेट हो सके. अगर 10:30 ग्राउंड का स्टार्टिंग टाइम था और 1:30 तक बारिश नहीं और इतना तीन घंटे, तो इसमें एक कम अज कम ट्रंकेटेड मैच तो हो सकता था. तो ये भी अनफॉर्चुनेट है कि ट्रंकेटेड मैच अगर हो जाता, अगर इसमें DLSP होता तो कहीं ना कहीं चांस बन सकता था पाकिस्तान का. लेकिन क्रेडिट टू USA एंड इंडिया, देयर टीम्स डिजर्व टू गो थ्रू बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस. तो अदरवाइज जो रमीज भाई अजहर भाई ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, बड़ा राइटली बात कर रहे थे कि ये कोई क्विक फिक्स नहीं है. इसमें मैं थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूंगा कि जो हमारे पास अवेलेबल टैलेंट है या 15 का स्क्वाड है या प्लेइंग 11 है, उनको भी अगर इंडिविजुअली हम देखें कि जितनी उनमें पोटेंशियल है उसको भी हम वो भी अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं खेल रहे. अगर हम देखें कि प्लेयर बाय प्लेयर देखें 11 on 11 on 11, तो हमारी USA से तो बेहतरी साइड थी एंड वी शुड हैव डिफीटेड USA. तो ये सैड बात है कि वो तो डेफिनेटली सारे आपको सिस्टम को इम्प्रूव करना है, आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, कोचिंग बेहतर होनी चाहिए, ऑफ सीजन में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए प्लेयर्स की. लेकिन ज़्यादा जो अभी जो इंस्टेंटली जो प्रेजेंटली जो हमारे लिए अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि जो हमारे पास अवेलेबल स्क्वाड था इसको कम अज कम सुपर 8 के लिए तो क्वालिफाई करना चाहिए था. इतना बुरा नहीं था कि ये सुपर 8 के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सका, लेकिन इट्स अ वेकअप कॉल. और अभी से ही हमें जो इन फॉर फ्यूचर हमें जो चेंजेस लेके आनी है ताकि जो आगे ICC के कॉम्पिटिशन आ रहे हैं 2025 ट्रॉफी की बात पाकिस्तान हम होस्ट हैं, फिर उसके बाद इंडिया में 26 का T20 वर्ल्ड कप है, फिर 27 में साउथ अफ्रीका में आपका 50 ओवर वर्ल्ड कप है, और साथ ही साथ आपका टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल चल रहा है. तो अभी भी वी हैव टू हमने इन सब को चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आगे की प्लानिंग करनी है, और जो हमसे गलतियां अभी हुई हैं वेदर एज अ सिस्टम और एज अ टीम उसको हमने ओवरकम करके आगे चलना है इंशाल्लाह. अभी रमीज सर से हम ये जानेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी में आप पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, क्योंकि अब सारी नजरें उस पर हैं. कुछ है कोई फ्यूचर नहीं देख रहे आप? फ्यूचर देखें अभी तो बहुत आगे की बात है, अभी तो बेबी स्टेप्स दोबारा से लेने पड़ जाएंगे. मुझे अभी तक समझ नहीं आती है कि क्या स्किल लेवल के ऊपर काम करना है या आपको एनवायरमेंट ठीक करनी है, आपको डिसिप्लिन लेके आना है, आपको टफ डिसीजंस लेने हैं, आपको वेकअप कॉल सिस्टम को वापस जोड़ना है, आपकी एज क्रिकेट के ऊपर क्या काम हो रहा है. तो ये एक अलग अलग चीज है. अभी मैं ICC के एक सिंपोजियम में जा रहा हूँ कॉन्फ्रेंस में, आप उसका जरा उसकी आप पॉइंट्स देखे ना अगर, तो आप हैरान हो जाते हैं कि किस लेवल के ऊपर क्या क्या काम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्रिकेट की कर रही हैं. तो मैं अपना देखता हूँ यहाँ पे कोई इस तरह का कोई ना पेपर इंट्रोड्यूस होता है कि जी अगले 3 साल में पाकिस्तान क्रिकेट अब यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचेगी, ना ये देखा. अब क्या होगा कि वो कुछ मीडिया को खुश करने के लिए चीजें हम बड़ी बड़ी भड़के मारते हैं, कुछ हम जो है ना वो कोशिश करते हैं कि अपनी सीट बच जाए, कुछ हम सैक्रिफिशियल, वो ईद आने वाली है वो कुछ सेग्राम्स कुछ तैयार करके हम खड़े हुए हैं, फिर उसके बाद जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे कि ये मेरी नहीं थी उसकी गलती थी जी. तो ये एक तरह से ना, फिर यही है कि T20 सिर्फ खेलनी है क्योंकि वो पैसा उसमें है. सो हमने मेहनत नहीं करनी है, हमें जल्दी से क्विक रिजल्ट चाहिए, वो जैसे आप फ्रीजर में रख देते हैं ना जेली, 5 मिनट में चार रोटी आ जाती है रन बनने. तो ये हमारी क्रिकेट जो है ना वो इस तरह से है जी. कि वो जल्दी से ना फ्रीजर में आप चीज रख दें और एक वो उल्टा पुल्टा जो है ना वो पेंडू किस्म की ना कलर वाली आप जेली खा लें. तो ये हमारे इस वक्त जो है ना वो ये बहुत लंबी एक रेस है जिसके ऊपर हमें दोबारा से खड़े होना है. आसान काम नहीं है, इसलिए कि जब वैसे बाय द वे जब चोट लगती है ना, जब आपका दिल दुखता है तभी आप बड़े पैशनेट और इमोशनल रिफ्लेक्ट कर सकते हैं. क्योंकि मैंने ये देखा कि जब मुझे हर्ट होती है ना मैं बेस्ट अपना लिखता हूं तब, क्योंकि फिर आपके इमोशंस जो है ना वो कलम में आते हैं.
तो ये मैं सिर्फ दुआई कर सकता हूँ कि ये इस चोट से ना ये पाकिस्तान जो है ना ये इमोशनल हो जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रमीज सर। और हमारे पास एक इस वक्त खान साहब मौजूद हैं। नहीं नहीं अब एना बाजी रमीज साहब को बोलने दो, बड़े अच्छे बातें कर रहे थे। आई एम सो ग्लैड फाइनली मुझे किसी ने बाजी तो कहा। रमीज साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं खान साहब? मैं बिल्कुल ठीक हाजर भाई, मैं बड़ा आपका परस्तार हूँ। अच्छा। आपका भी हमारे तुरखम्स की तरफ से हो क्या हुआ आपको, हम कहावा पिलाएगा नहीं और ऐसा आदमी के लिए बहुत मुफीद है। रमीज भाई को हमारा बेटक लग है। रमीज भाई कहावा मजे का था के नहीं था? बोलो था। अच्छा मेरी बात सुने, आप हम क्रिकेट पे शो कर रहे हैं आप? हाँ, इस क्रिकेट से याद आया, जो वर्ल्ड कप चल रहा है किधर चल रहा है? मेरे पास टीवी पे चलता है, क्रिकेट होता है, लेकिन वो तो वहीं पे खड़ा हुआ होता है, वही बैठा रहता होता है, चलता नहीं है। आप पहले तो ना ये क्रिकेट क्रिकेट नहीं होता, ये क्रिकेट होता है। मैं जैसे बाजी आप जैसे बन के बोलते हैं, हमारे से तो नहीं बोला जाता, हम कोला डोला बंदे। अच्छा मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि आपने मुझे बहन बना ली है, मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि मुझसे आपको बाजी कह दे, वरना कहना पड़ता है कि मैं आपकी बहनों जैसी हूँ। अच्छा अपना रमेश भाई एक सवाल, पूरे रात मेरा ना हॉन्ट करता रहे, बताइए ये जो कप है वर्ल्ड कप, इसमें आपको पता है हम एक चीज नहीं कर सकते, क्या क्या नहीं पी सकते, क्या फायदे ऐसे कप का? सही बात है, वैसे हमारे लिए तो अब चाय का ही कप रह गया। सही बात है। क्या आई कैन सी द टंग इन चीक, आई कैन सी, इंग्लिश आती है आपको? थोड़ा बहुत है, क्योंकि मेरे साथ अभी इधर अंग्रेज आया था ना, तो हमने उसको टूर करवाया था। अच्छा। हाँ, मैंने बोला तो उधर नहीं जाना, अंग्रेज का बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अच्छा। पैर रख अखड़े में। कोई पश्तो गाना आपको आता है? नहीं, वो है एक मेरा फेवरेट है। कौन सा? के हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, हम ब्रेक की राह देख रहे हैं। गाना शुरू होता है, ब्रेक ले देती तो डेढ़ मेहरबानी मखा दिखा। वाह जबरदस्त, तुम रखूली पुख्तू वही डेढ़ मनाना नाजरी ने तासू अजी ब्रेक था ब्या वापस राजू इंशाल्लाह बे मुलाकात बहु कुछ सही था। अजहर अली साहब, अफगानिस्तान की अगर टीम की बात करें तो अच्छा परफॉर्म किया है, और फिर पाकिस्तान से अगर कंपैरिजन करें ना तो भाई जबरदस्त परफॉर्म किया है, नई टीम है, उस तरह से इतना ज्यादा एक्सपीरियंस या एक्सपोयर नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर गए। देखिए 50 ओवर वर्ल्ड कप हो जाए, अभी रिसेंटली जो गुजरा है उसमें भी उनकी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेमीफाइनल को वो अगर वो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच जीत जाते, कैचेस एक दो चांसेस मिले और मैक्सवेल जिस तरह वो इनिंग खेल गया तो ये सेमीफाइनल खेलते थे, और इस T20 वर्ल्ड कप में भी अभी तक की उनकी अनबीटन जा रहे हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस जा रही है उनकी, डेफिनेटली दे आर ऑन द राइज और मोस्ट इम्प्रूव एंड मोस्ट क्विकली इम्प्रूव टीम है। किसी भी अगर श्रीलंका को देखें, बांग्लादेश को देखें, इन सब ने काफ़ी टाइम लगाया था, लेकिन अफगानिस्तान ऐसी टीम है जो वर्ल्ड कप में बड़ी जल्दी क्वालिफाई किया और उसमें अपना इम्पैक्ट बहुत जल्दी डालना शुरू किया। हर वर्ल्ड कप में एक ना एक ही अपसेट करते आए हैं, जिन वर्ल्ड कप्स में भी इन्होंने खेला है, फिर उसके बाद अब जाके वो टक्कर लेने लग गए हैं बड़ी टीमों के साथ और सेमीफाइनल को टच करना शुरू हो गए हैं। तो इस T20 वर्ल्ड कप में भी मुझे लग रहा है कि जिस तरह की कंडीशंस हैं वेस्ट इंडीज़ की जो उनको बहुत ज़्यादा सूट करती हैं, जिस तरह उनकी फास्ट बॉलिंग में अब फजल हक फरूकी और टॉप विकेट टेकर जा रहे हैं, स्पिनर्स तो उनके है ही है थे, बैट्समैन उनके परफॉर्म कर रहे हैं, साथ में फास्ट बॉलर परफॉर्म कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कि वो T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल खेलने के लिए आज पूरी तैयार हो गया है। रमीज भाई आए हुए हैं, पूरी तैयार हो गई हैं। सही बात है, मैंने पूछा था आने से पहले। रंगी सारी गुलाबी चुनरी, ये वीडियो पॉज क्यों हो गया है? अच्छा आज खुद ही पॉज मोमेंट में बैठा। राजा सलामत कहाँ रह गए हैं आप? आइए ना, हम आपके इंतजार में बुढ़ी माई से होते जा रहे हैं। राजा सलामत कुछ बोलिए ना, आपकी अनार कली आ गई है। मैं बस बस अब पाकिस्तान टीम बाहर हो गई है, ये हम कमेंटेटर्स भी बाहर हो गए उनके साथ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जंग लड़ने मरीख पर चले गए हैं? राजा सलामत मेरा हाथ छोड़िए, खुदा रहा हमारा हाथ छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप टीवी अरे पर? उन्होंने आपका हाथ तो पकड़ा ही नहीं है। पकड़ा है राजा सलामत, उनकी मुस्कुराहट बता रही है। खैरियत नहीं पूछते,
मगर नजर रखते हैं। सुना है एक मोहतरम हम पर नजर रखते हैं। वो कौन है? दो दफा नजर कह दिया। ओ माय गॉड, शेर भी हम तो सही तरह से याद नहीं कर पाए। किसकी बात कर रही हैं आप? कौन आप पे नजर रख रहे हैं? इस मंच पर सिर्फ दो ही मोहतरम हैं। आप तो मोहतरमा है ना? हाँ जी, मैं उनकी उन्हीं की बात कर रही हूँ। मैंने आप पे क्यों नजर रखी? लेकिन हम उदास है। क्यों? पाकिस्तान के लिए नहीं, फिर ये क्रिकेट का दुख भी कोई दुख है। अच्छा, फिर हमारा हदवाणा फिक्का निकल आया है। ओए, 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 ओए। ऐसा भी होता है भला? आज तो आप खुद भी हदवाणा बन के आई हुई है। हदवाणे का ये रंग नहीं होता, ये तब होता है जब हदवाणा बुस जाता है। अब आप खुद ही समझ जाएं कि मैं क्या कहना चाह रही हूं। आपने ये ट्राउजर रिपीट किया है, क्या हम गलत तो नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई लाइक रिपीटिंग माई क्लोथ्स। अच्छा, कवर इतने महंगे लेती हूँ? नहीं, इतने महंगे लेती हूँ तो रिपीट करना भी बनता है ना। हाँ, वैसे पहले इकॉनमी का हाल देखें। गुड रिकवरी, गुड रिकवर। शुक्र है कोई तो है यहाँ पर हमारा साथ देने के लिए। सब आपके लिए। अच्छा, हमें आपसे एक शिकायत करनी है। जी जी। हमें आज एक दुकान वाले ने धक्के मार के दुकान से निकाल दिया। हमारा कसूर ही क्या था? आपको पता है कि चोरी करके तो निकल रही? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे मुल्क की हालात ऐसे हैं कि हम कुछ कैश पर नहीं खरीद सकते, तो हमने सोचा क्यों ना एक एसी खरीद लिया जाए। अच्छा। हमने कहा कि हमें इंस्टॉलमेंट पर एसी खरीदना है। ओके। उन्होंने कहा अनारकली कुछ एडवांस दीजिए, तो हमने कहा एडवांस ईद मुबारक। उन्होंने हमें धक्के देके बाहर निकाल दिया। ये भी कोई तरीका हुआ? ये तो गलत हो गया ना। तो आप कूलर शूलर पे पंखे पे गुजारा करें, आप तो उस दौर से हैं, आपके तो दौर में पंखे हुआ करते थे। सही कह रहे हैं, दौर की बात हुई। हमारे जमाने में शायर कहा करते थे, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। उसमें तो मोहब्बत ही होती थी, लेकिन है ना, अगर आपको कोई कहे ना कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, तो ये मत समझना कोई तुम्हारे प्यार में गाना गा रहा है। अच्छा। समझना कि शायर की मुराद है कि अब मुझसे इजी लोड मांगना बंद कर दो। अब मैं तंग आ गया हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो। डान, मुझे लगता है आपके साथ हो चुका है। पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे चीजें शेयर करती रहती हैं आप। बाजवा साहब, आपसे एक सवाल पूछना है, क्योंकि आप भी पूछ रहे क्योंकि क्लोजिंग का वक्त हो गया। आपकी नजरें रमीज भाई पे हैं, अजहर भाई पे हैं, या मेरे बारे? ओए होए होए, एक सेकंड, बहुत बड़ा सवाल। मैंने इनको माइंड कर रहे हैं, इनके ऊपर नहीं है तो अजहर, मैंने कब कहा कि मेरे शोना बाबू? मैंने तो बाजवा साहब कहा आपको। अब आप इंडिया, अभी हम अभी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आप आपस में डिसाइड कर लेंगे किसकी नजरें किस पर है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, बहुत शुक्रिया आपका। रमीज सर, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज तो आपका बैकड्रॉप एंड लैम्प बड़ा खूबसूरत लग रहा है, मैंने अब नोटिस किया। पीछे समुंदर भी है। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। अजहर अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इजहार बाजवा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।